हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं लगभग श्यामपुर से 10 किलोमीटर आगे ना जी। इसी बीच में हमें भैया हमें मिले। और भैया आपका नाम क्या है? दिनेश राठौर। दिनेश राठौर। और भैया आपका नाम? कपिल सेन। कपिल सेन। और अंकल जी आपका नाम? राकेश राजपूत। राकेश राजपूत। और हम ये रास्ते से जा रहे थे, भैया ने हमें रोक लिया कि आओ चाय पी लो, तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। पीछे पीछे आए भाई, कोई खाना खिला देते, कोई चाय पिला देते। सुबह सुबह बहुत ठंडी लग रही है। हाँ तो ठीक है, सुबह 7 बजे निकले थे ना, बहुत ठंड लगता है, थोड़ा सा सर्दी तेज रहती है एमपी में। लेकिन इधर पानी बहुत कम है यार, बहुत बताओ। यहाँ 5 बीघा खेत भरने में बहुत टाइम लग जाता है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ 5 बीघा 2 घंटे में, 2 घंटे में 5 बीघा खेत खेत भर जाता है। यूपी के अंदर 2 घंटे में भरता है, इतना पानी हो जाता है इतना 2 घंटे में। यहाँ भी समझ यूपी में नदी ज्यादा है ना, नदी ज्यादा, नदी है और वो वाटर लेवल ऊपर है, इसीलिए हमारे यहाँ थोड़ा नदी कम है। तो भैया अब हम आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सभी भाई को राम राम। अब आगे की हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो भैया जी राम राम, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम, आपकी यात्रा पूरी। ठीक, ओके ओके। तो भैया ने हमें चाय पिला दी है और अब आगे देखते हैं कोई खाना खिला देगा। ऐसे दिन करता है ना, मतलब बड़ा खुश हुए हम यार, बड़ा यार हमें सम्मान मिलते भैया, सब जने सम्मान बहुत देते, सही बता रहे हैं। अब कोई बता दे कि मैं यूपी से आए, तो भाई हमें तुरंत बैठाते हो, चाय पियाओ, बिस्कुट खवाओ, खाना खवाओ, और अगर कहीं होटल पे खाना खाने जाओ ना, और उनसे बोल लो भैया थोड़ा कम पैसा ले लो, तुम कम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आज सवेरे हम जल्दी चले थे, आज हमारा सफर कम से कम नहीं था, समझ लो तुम, कम से कम नहीं था 60 किलोमीटर हुए ही शाम तक। अब उज्जैन तक हम पहुंच जाए, कल या परसों पहुंच जाए। अब महाकालेश्वर दर्शन करके बाबा जी को आशीर्वाद लेके कहीं जय भोलेनाथ, अब हो न सीधे निकल ही बम्बई के लिए। अब मर ही हो सीधे शॉर्ट सही ने सीधे बम्बई, बम्बई निकले हैं तो का है दिक्कत, घूम ही लें यार हर जगह है कि नहीं भैया। खाने की देखो भूख लगी है बहुत, चाय भाई चाय पी थी अपने, और चाय पी भें, और अब जा रहे आगे कोई कोई भैया मिल गई हितले, कोई खाना खिलाई दे, कोई चाय पी आई देते। अब बस दिन अपन आई थे कट रहे थे, अब कहूँ ना मिन चुप पाई भैया अपने खाई लाई के खाई लेते, कहा 50 रुपया भैया को दे देते भाई खाई लेते, कहा करें यार। भैया ने हमें रोको तो चाय पिलाई थी, बहुत बढ़िया चाय थी, मारी एकदम जहर लग रही मारी पड़ी थी अदरक वगैरह, और चीनी मारी इतनी मीठी चाय थी पूछो ना, सही बताया, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया यार। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे देख रहे हैं कानून होटल, अगर बढ़ी तो खाना खे बहुत तेज लगी। आपको एक नज़ारे दिखाने जा रहे हैं, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं खेती हो रही है, ठीक है, टोटल गेहूँ है, और इधर जो लहसुन है, प्याज है और मटर है, और इसके बीच में हमें एक कुआं मिला है, ये देख रहे हैं जैसे कि आप, बहुत बड़ा कुआं है, लगभग बहुत बीच में है, और इसकी लंबाई लगभग 20 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा होगा, ठीक है। तो इसके मैं इसलिए यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने देखा है कि लगभग 10 फुट तो वो होगा मिट्टी ऊपर होगा, और 10 फुट के नीचे टोटल पहाड़ है, यानी कि टोटल पत्थर है, और पानी भी पत्थर से पानी निकल रहा है। यानी कि पहाड़ से पानी निकल रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है, और ये लगभग होगा 40 से 50 फुट गहरा होगा, ठीक है, और इसमें से खाली मेरे अंदाजा से 10 किलोमीटर का ही खाली मिट्टी, खाली 10 मीटर का लगभग ऊपर मिट्टी की परत होगी, और बाद बाकी नीचे टोटल पहाड़ है, टोटल नीचे पत्थर हैं। तो ये समझ में नहीं आया मेरे, जैसे पत्थर हैं ऊपर मिट्टी है नीचे पत्थर हैं, और पहाड़ों से जो जो खोदाई हुई है यहाँ इनसे पानी निकल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं
ये ऑटोमेटिक पानी निकल रहा है यहाँ, और इसके अंदर एक वो पड़ा है क्या नाम मोटर, जो पानी निकलता है उसी मोटर से सिंचाई होती है। ये जरिया अच्छा लगा मुझे, ये मुझे अच्छा लगा। साधारण कुआं था यार, इसमें लगभग 10 फीट के ऊपर 10 फीट परत की मिट्टी चढ़ी होगी, ठीक है, और 10 फीट के लगभग मिट्टी चढ़ी होगी, और उसके नीचे टोटल पहाड़ है यार। कि नीचे सब जो धरती है ना, ये पहाड़ पे है टोटल, इसके नीचे पहाड़ है, पत्थर हैं, और उन्हीं के जो नीचे से पानी आता ऑटोमेटिक, जैसे आप जानते कि जो तो भाइयों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुआं है ये, ठीक है, और उससे मोटर इसमें पड़ा है, यानी वो वहाँ से पानी इसमें आता है। तो अब मेरे समझ में आ रहा है ये दोनों कुआं क्यों बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें उस कुएं से पानी इसमें आ रहा है, बहुत ठंडा पानी मैंने पिया था अभी, तो बस मेरे हिसाब से ये पानी इसलिए आ रहा है ताकि यहाँ पानी नीचे बहुत है, तो पत्थर है यहाँ, बोरिंग तो हो नहीं सकती है, तो खुदाई हुई है, यानी कि जो पानी हुआ पत्थर से निकलता है अंदर से पहाड़ में, तो जो एक एक बूंद इकट्ठा होकर निकलता है, उस कुएं का पानी इस कुएं में आता है, ठीक है, और ये कुआं पूरा भर जाता होगा जहाँ तक मेरे हिसाब से, ठीक है, टोटल। और जब ये भर जाता है तो इसी कुआं से, और ये इधर के लिए देखो ये गया है पाइप, ठीक है, ये सारी सिंचाई यहाँ इसी कुआं से होती होगी मेरे हिसाब से। अब बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं इसका मुझे पता नहीं है, तो आप खुद एक बार दिमाग लगा के एक बार कमेंट जरूर करना कि ये दो कुआं किस लिए बनाए गए हैं। मैं देखा जाता वहाँ कुएं में, वो कुआं बिल्कुल खाली था, ठीक है, उस कुएं से पानी आ रहा था, पानी इसमें से भी आता है, लेकिन उस कुआं का पानी इसमें क्यों आ रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये उस कुआं का पानी इस कुआं में क्यों आ रहा है। भाई ये समझ में यार, पहले से मेरे तो समझ में बस यही आ रहा है कि ये उस कुआं का पानी इसमें इसलिए आ रहा है, यहाँ पानी यहाँ तो भाई बोरिंग तो हो नहीं सकती है ना ज़्यादा, और होंगी तो 200-300 फीट पे होंगी ज़्यादा, 200-300 फीट पे पानी होगा कम से कम, नहीं इधर तो, और इस कुआं में पानी आ रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है, तो और ठंडा पानी बहुत है, ये मुझे डर भी लग रहा है यहाँ पे जाने के लिए, बहुत ठंडा पानी है भाई। और ये पानी इस कुआं से, ये इस पाइप से जाता है, यानी कि ये मोटर पड़ा है भाई। यार बहुत पानी की दिक्कत है यार इधर इधर भाई। यार जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया कि ये कुआं का पानी वहाँ से यहाँ क्यों आ रहा है, लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है ये उस कुआं का पानी यहाँ क्यों आ रहा है, और या तो यहाँ पानी की दिक्कत है तो आ रहा है, ठीक है, और ये कुआं भरा जा रहा है, और जहाँ तक जब गर्मी आती है तो यहाँ पानी जब मिलता नहीं होगा, मुझे पता है, तो ये कुआँ पूरा भर जाता होगा, इसी से गर्मी में सिंचाई होती होगी, इतना तो मुझे पक्का पता है कि ये पानी उस कुआँ से पानी इस कुआँ में आ रहा है ना। तो यार ये मुझे अब बहुत ज़्यादा नज़ारा मस्त लगा यहाँ का। तो दोस्तों अब हम अपना बैग पैक करते हैं, और हमने थोड़ा बहुत जो मेरे पास बिस्किट वगैरह था वो मैंने खा लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, या मैं खा चुका हूँ, और इसके बाद में हम सीधे अब आगे के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, और जय हिंद, जय भारत।